तो स्वागत है आपका आज के हमारे एक और नए वीडियो के अंदर। आज जो हम गेम खेलने जा रहे हैं, इसमें हम अपना करने वाले हैं ड्रीम बिजनेस। बचपन में सभी का सपना होता है कि कपड़ों का बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि उसमें है असली प्रॉफिट। क्योंकि इंसान ऐसे बाहर घूम सकता है बट कपड़ों के बिना नहीं। तो कपड़े सभी को खरीदने हैं और उसमें बनते हैं पैसे, बट इस बात में कितना सच है वो हमें पता चलेगा गेम खेलने के बाद। तो चलो, अब हम अपने स्टोर में तो आ चुके हैं और ये था हमारा कैश काउंटर। अब ये और ये है हमें कंप्यूटर, प्लस हमें $200 भी मिले हैं। एंड ये है हमारे कंप्यूटर जिसमें हम अपना स्टोर का कुछ भी सामान खरीद सकते हैं, जैसे डेकोर है और पीछे फर्नीचर वगैरह था जिसमें अलमीरा और रैक्स वगैरह आती हैं। और प्रोडक्ट्स में हमारे पास कपड़े थे, ये रहे कपड़े जो हम ख़रीद सकते हैं। एंड मैनेज में हमारे साथ ऐसा है कि जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होगा उसी हिसाब से ये जो हमारी चीज़ें अनलॉक होती जाएंगी। एंड बैंक में वही चीज़ें जो हम अपना मनी स्टोर करेंगे। एंड ये है एक टी शर्ट का बॉक्स, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब इसमें जितनी भी टी शर्ट्स हैं इनको मैं प्लेस कर लेता हूँ। और ये बॉक्स है, ये कहाँ डालना है, यहाँ डालूँ क्या? अच्छा, तो इसमें बोल रहा है कि ये जो बॉक्स है इसको हमें डस्टबिन में डालना है। डस्टबिन किधर है, ये क्या चीज़ है, इसे छोड़ते हैं डस्टबिन। चलो ये रहा डस्टबिन, इसमें डाल देता हूँ। चलो मैंने डस्टबिन में कपड़े डाल बॉक्स डाल दिया है। एंड ये रहे कपड़े, इसकी हमें प्राइस सेट करनी है। अब हम अपने हिसाब से कोई भी प्राइस रख सकते हैं जो हमें सुइटेबल लगे। तो मैंने $44 इसकी प्राइस डाल दी है। एंड मैं अब अपने स्टोर को ओपन कर लेता हूँ। एंड मैं अपने कंप्यूटर पे पहले चला जाता हूँ, इसमें मैं कुछ देख लेता हूँ ख़रीदने को। चलो इतनी देर में कस्टमर्स भी आ चुके हैं, मैंने कुछ टी शर्ट्स वगैरह भी ऑर्डर कर दिए हैं। एंड इसने ख़रीदी एक टी शर्ट, इसको मैंने इसका रिफ़ंड वापस कर दिया है, पैसे रिफ़ंड कर दिए हैं। एंड इस मैम ने भी कुछ कपड़े लिए हैं तो हमने इनके भी पैसे काट लिए हैं। एंड ये क्या है, इसमें सैंडोज मिल रही हैं। चलो इन सैंडोज को मैं अपने रैक में लगा देता हूँ। चलो ये मतलब एक सैंडोज, मैंने सैंडोज भी ऑर्डर करी थी और उसका बॉक्स आ चुका है ये। चलो अभी इसके बॉक्स को मैं जल्दी से डस्टबिन में डाल देता हूँ। एंड जो सैंडोज की प्राइस है वो भी डाल देता हूँ मैं जल्दी से। क्या प्राइस डालूँ, 24 मार्केट में चल रहा है ना, तो मैं इसकी 34 डालूँगा, 34.5 डॉलर। तो चलो एक और आंटी आई है, इनको क्या चाहिए जल्दी से इन्हें खरीद देते हैं। एंड अब हम इनके पैसे जो भी हैं ले लेते हैं, जितने की इन्होंने टी शर्ट ली है। इन्होंने लिए वही सेंडो $34 वाली। चलो इनके भी पैसे हमने काट लिए हैं। एंड हमारा स्टोर है अभी 1 लेवल का। जैसे जैसे हमारा लेवल इंक्रीज होता जाएगा उस हिसाब से हमारी जितनी भी चीज़ें वो अनलॉक होती जाएंगी। एंड ये मैंने एक और टी शर्ट मंगाई थी, मतलब ड्रेस है, लेडीज़ ड्रेस है, ये भी आ चुकी है। एंड इसकी भी प्राइस डाल देता हूँ जल्दी से। इसकी प्राइस मैंने डाल दी है 48.10 डॉलर्स। एंड चलो इन्होंने 3 टी शर्ट ली हैं तो इनके पैसे बनते हैं $122। एंड इन्होंने भी कुछ लिया है तो इनके भी 34 डॉलर हो गए। एंड इनको मैं पहले 55 सेंट्स, अच्छा 95 सेंट्स देने हैं और $5 देने हैं। चलो इनको भी दे दिए मैंने। एंड इनके कार्ड से पेमेंट करनी है तो $78.45 मैंने काट लिए इनके। एंड हमारा ये जो लेवल स्टोर है वो 2nd लेवल का होने ही वाला है। इसमें हमें पहले से $200 मिले थे, उससे फिर मैंने कुछ टी शर्ट्स वगैरह ऑर्डर कर दी, तो इसलिए अब वो टी शर्ट्स भी मैं जैसे जैसे ऑर्डर मेरे आते आ रहे हैं मैं इसलिए उन्हें टी शर्ट्स को भी सीधे रैक में लगा देता हूँ। एंड हमारा आज का जितना भी बैलेंस था वो 200 था, स्पेंडिंग हमारी 0 रही, टोटल रिवेन्यू हमारा 481 बना। चलो मैंने ये जो डे था वो स्किप कर दिया है, वो था हमारा फर्स्ट डे। एंड आज हमारा सेकेंड डे स्टोर के अंदर। अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30। चलो क्या इनको ये ड्रेस महंगी लग रही है, मैंने इतनी भी प्राइस नहीं डाली थी, पता नहीं यार इन लोगों को ये जो ड्रेस इसकी प्राइस है इतनी महंगी क्यों लग रही है। वैसे तो इतनी महंगी है नहीं, मैंने मुश्किल से 5 या 6 डॉलर इनकी एक्स्ट्रा प्राइस डाली है। चलो इन मैम ने भी कुछ लिए हैं कपड़े, अच्छा नहीं लिए उनने, इन्होंने लिए कोई सैंडो, तो हमने इनके जितने भी चेंज थे वो वापस कर दिए हैं। एंड चलो अपने कैश काउंटर से बाहर निकलते हैं जल्दी से और देखते हैं अब हमारे स्टोर में क्या क्या कम होता जा रहा है। पहले इनकी भी बिलिंग कर देते हैं। ये जो अंकल आए हैं इन्होंने कुछ फीमेल ड्रेस लिए अपनी बीवी के लिए, वाइफ के लिए। एंड चलो इन्होंने इन्होंने कुछ नहीं लिया क्योंकि इनको महंगा लग रहा था कपड़े वगैरह। चलो मैं जब तक और भी कपड़े ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा जैसे जैसे स्टोर का काम बढ़ता जा रहा है उसी हिसाब से माल भी लगेगा कपड़ों का।
चलो इतना भी, अब शाम भी हो चुकी है भाई, इतना काम हो गया आज। शाम के 6 भी बज चुके हैं अब। चलो चलो ये बॉक्स हम जल्दी से मैं थ्रो कर देता हूँ। मैंने जीन्स भी लगा दी अलमीरा में, इसकी प्राइस सेट कर लेता हूँ। कितनी रखूँ? चलो मैं 23.10 डॉलर रख दिए, एंड 34 इनका बिल हो गया। इन्होंने कार्ड से पेमेंट करनी है, इनका भी बिल कर देता हूँ मैं जल्दी से। मैं अपनी कैश काउंटर से बाहर निकलता हूँ अब। चलो रात भी हो चुकी है और हमारा आज रेवेन्यू बना है, वो बना है हमारा 342 डॉलर्स, एंड यस्टरडे हमारा बैलेंस था 681 डॉलर्स का। आज हमने 39 डॉलर्स स्पेंड करे हैं। तो चलो मैं जल्दी से नेक्स्ट डे कर लेता हूँ वो अपना स्टार्ट। एंड चलो हमारा पहला कस्टमर भी आ चुका है आज के दिन का, सुबह के 7:15 भी हो चुके हैं। अच्छा, इनको कुछ अच्छा नहीं लगा तो ये वापस चली गई हैं। चलो सुबह भी हो चुकी है, अब मेरा जैसे जैसे लेवल बढ़ गया है, अब मैं अपने स्टोर का नाम भी चेंज कर सकता हूँ। क्या रखूँ इसका नाम? ऐसा करता हूँ एटीट्यूडियन और फैशन, फैशन सही रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसमें एटीट्यूडियन फैशन लिख देता हूँ। चलो गाइज, मैंने इसका नाम एटीट्यूडियन फैशन डाल दिया है। एंड चलो अब मैं स्टोर के अंदर चलता हूँ, ये इनके पहले बिलिंग कर देता हूँ। एंड गाइज, जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया, कमेंट में जाके एटीट्यूडियन OP लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा मेरे इस व्यूअर ने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। जो भी बंदे इस वीडियो को लाइव पे या फिर प्रीमियर पे देख रहे हैं, आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में जाके ही देना, जिससे कि मैं आपके कमेंट को हार्ट भी दे सकूं और उसका रिप्लाई भी दे सकूं। एंड गाइज, इतने परसेंट लोग जो है हमारे चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जल्दी से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों से शेयर भी कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ही फॉलो कर लो। मैं अपने सभी नए वीडियो को अपडेट उस पर डालता रहता हूँ। एंड चलो, ये हमारा आज का डे भी कंप्लीट हो चुका है। एंड येस्टरडे हमारे पास थे 984 डॉलर्स, आज के स्पेंड हमारे पास 0 है। एंड हमारा आज जितने भी पैसे बने वो बने 380, टोटल हमारे पास 1327 डॉलर हैं। चलो जल्दी से ये डे को स्किप करते हैं। चलो जल्दी से मैं बाहर आ जाता हूँ, स्किप मॉर्निंग कर देता हूँ जल्दी से, क्लिक कर देता हूँ जल्दी से मैं इसके मॉर्निंग पर। चलो गाइस, मॉर्निंग भी हो चुकी है, मैं अपना स्टोर भी वापस से खोल लेता हूँ। एंड कंप्यूटर पे देख लेता हूँ कुछ भी नए प्रोडक्ट्स वगैरह हमें ऑर्डर करने हैं कि नहीं, जल्दी से स्क्रॉल वगैरह कर लेता हूँ। चलो मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए, जैसे शर्ट पैंट और कुछ टी शर्ट्स वगैरह हैं, इन सबको मैंने ऐड कर लिया। एंड जल्दी से मैंने वापस से बाहर आ चुका हूँ। एंड अभी तो यहाँ पे कोई भी मेरा पार्सल नहीं आया है, एंड मौसम बहुत सुहाना है। चलो हमारी एक टी शर्ट भी आ चुकी है, जल्दी से इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ मतलब। चलो इस बॉक्स को डस्टबिन में डाल देता हूँ जल्दी से। चलो चलो, यहाँ पे इसकी प्राइस तो सही है, थोड़ी और कम कर देता हूँ, 44 डॉलर कोई लेगा नहीं वैसे। इसकी प्राइस मैं जो है कम कर देता हूँ पहले। चलो चलो, जल्दी से कम कर दिए मैंने इसकी प्राइस। नहीं, अभी भी 40 से कम ही रखता हूँ मैं इसकी प्राइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी 40 से ऊपर की, तो अभी भी इन्हें महंगी लग रही है यार। ऐसा करता हूँ इसकी 33 रख देता हूँ प्राइस। चलो इनकी भी बिलिंग कर देता हूँ जल्दी से। चलो इनको कोई पैसे वापस करने नहीं है, इनको कार्ड से पेमेंट करनी है, इनकी कार्ड से पेमेंट कर देते हैं हम। इनको कैश लौटाना है 7 डॉलर। चलो भाई, शाम भी हो चुकी है, आज का टाइम पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ निकल गया इतना, क्योंकि अब स्टोर पे जो है हमारा काम भी बढ़ चुका है। जल्दी से इनके भी पैसे मैंने वापस कर दिए हैं। एक और पता नहीं आंटी हैं, मैम हैं, जो भी हैं, इनके भी हम पैसे वापस कर देते हैं जो भी हैं 303। और अब यहाँ पे ये अंकल आए हैं, इनको इन्होंने कैश दिए, हमने इनको रेवेन्यू वापस कर दिया जितना भी बन रहा था इनका। चलो आंटी के भी हमने बिल कर दिया है। ओहो, अंकल ने दो दो बैग्स लिए, अंकल नॉटी बनने हो आप तो। चलो इन्होंने भी बैग ले लिए, इनकी भी बिलिंग करते हैं जल्दी से। पहले बाहर हमारे और भी प्रोडक्ट्स आ गए, पहले इनको हम अपने शेल्फ में लगा लेते हैं, जिससे कि जो बंदे हैं वो वापस से लौट के ना जाएं खाली स्टोर देख के। इसकी प्राइस चलो सही है, यही ठीक है, थोड़ी बढ़ाऊँ क्या?
चलो ठीक है, बेटर है, $20 सही है, वरना महंगे हो जाते तो ये लोग लेते नहीं है। जब तक कस्टमर्स आते जा रहे हैं, मैं इनकी जो भी है अपने प्रोडक्ट्स को शेल्फ में लगा लेता हूँ। भाई यहाँ पे ग्रेविटी का क्या सीन है, मैंने ये एकदम नीचे के डिब्बे निकाले पर जो ऊपर के डिब्बे तो वो गिरे ही नहीं भाई। चलो चलो इनकी भी बिलिंग कर दी है मैंने। भाई बहुत कस्टमर आ गए हैं, जल्दी से पहले इनकी बिलिंग करता हूँ मैं। चलो 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 भाई, इन्होंने लिए बहुत सारी शर्ट्स $92 की। अरे मैंने गलती से $920 डाल दिए। इनके भी $34.36 इन्हें वापस करने हैं। चलो बैग्स भी लगा लेता हूँ मैं शेल्फ में। बैग्स भी ख़त्म हो गए हैं शेल्फ में से, चार बैग बचे हैं, इनको भी यहाँ लगा देता हूँ मैं पहले। अरे डिब्बा डस्टबिन में नहीं गया, पहले डस्टबिन में इस डिब्बे को डाल देता हूँ मैं। चलो चलो मैंने डस्टबिन में डिब्बे को डाल दिया है, इसकी भी प्राइस डाल देता हूँ। चलो हमारा आज का हमारा ये है day 10 एंड चलो चलो पहले इसकी प्राइस डाल देता हूँ जल्दी से। भाई रात भी अच्छा, अभी सुबह होने वाली है ना, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। सो चलो गाइस अब मैं सीधे जल्दी से पहले इनकी और बिलिंग कर देता हूँ। ये पीछे से एक और आंटी और मैम पता नहीं जो भी आ गई हैं, इनको इनकी बिलिंग करके देता हूँ। ये अंकल ने अपनी बीवी के लिए बैग लिया है एक, इनकी भी बिलिंग कर दी मैंने। अब ये भी वाले भी अंकल आ गए, इनकी भी बिलिंग। भाई इन्होंने लिया है बहुत सामान। चलो इनके बचे हुए पैसे इनको वापस कर देते हैं। आंटी ने भी बहुत सामान लिया, $95 के इनके कपड़े बने हैं। चलो जल्दी से काउंटर से बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे अब क्या क्या ख़त्म हो, शेल्फ में क्या क्या ख़त्म हो गया है। पहले अब इनकी और बिलिंग कर देता हूँ। चलो इनकी बिलिंग कर दिया मैंने, फिर मैं शेल्फ में देखूँगा और क्या क्या ख़त्म हो चुका है। इनकी और बिलिंग कर दी मैंने। चलो चलो अब मैं शेल्फ में जो भी ख़त्म हो गया पहले वो सामान मंगा लेता हूँ। एक ऐसा करता हूँ मिरर मंगा लेता हूँ, क्योंकि लोग जो हैं वो कपड़े अपने ऊपर मतलब पहन के वो भी तो देखेंगे कि वो कैसे लग रहे हैं उस ड्रेस में। चलो मिरर भी आ चुका है, जल्दी से मिरर को यहीं पे प्लेस कर देता हूँ, यहाँ पे बेटर है। ठीक है यहाँ, ठीक है यहाँ पे मिरर को प्लेस कर देता हूँ मैं। चलो इनकी भी बिलिंग कर देता हूँ अंकल की जल्दी से, $30 आंटी की भी और है। भाई आज का दिन भी बहुत जल्दी ख़त्म हो चला, टाइम भी पता नहीं चला, आज का 6:45 चुके अब तो। चलो चलो इनकी भी बिलिंग कर दी मैंने। चलो भाई यहाँ पर ड्रेसेस बहुत कम हो चुकी हैं बाहर, जो पहले ये एक आध शेल्फ खाली हो ना तब जाके मैं इनमें ड्रेस लगाऊंगा। अब इसमें बैग लगा लेता हूँ, बैग के लिए स्पेस हो गई है। अच्छा बॉक्स भी खाली हो चुका है। चलो इसकी प्राइस 56 सही रहेगी, इस बैग की प्राइस मैं 56 रख देता हूँ। चलो इनकी भी बिलिंग कर दी मैंने। चलो चलो अच्छा इन्होंने दो बैग भी ले लिए वही वाले, अच्छा इन्होंने भी एक बैग वही वाला लिया। चलो ये वाली आंटी भी जा रही है, इनका बिलिंग हो चुका है जल्दी से। चलो आज का डे भी ख़त्म हो गया, कल का हमारा बैलेंस था 588 एंड आज हमारे स्पेंड हुए हैं $750 और रेवेन्यू हमारा बना है $780 का। चलो चलो मैंने बॉक्स भी सैंडोज लगा के बॉक्स भी फेंक दिया है, सैंडोज अपनी शेल्फ में लगा के वो इसके वो बॉक्स मैंने फेंक दिया। चलो इसकी प्राइस 25 सही रहेगी, 25 डाल देता हूँ मैं। चलो 25 ठीक है इसकी प्राइस। चलो ये कस्टमर्स जा गए, पहले इनकी बिलिंग कर देता हूँ मैं जल्दी से। चलो जल्दी चलो मैंने इनकी भी बिलिंग कर चुका हूँ, ये लास्ट अंकल ले गए थे एंड अच्छा आंटी को महंगे लग रहे हैं कपड़े वगैरह। भाई इससे और कम प्राइस क्या रखूँ, फिर तो मेरा लॉस में ही जाएगा जितना भी है, प्रॉफिट मिल ही नहीं पाएगा मुझको फिर उतना। चलो ये वाले अंकल ने भी एक जीन्स ले लिया, जीन्स लिया सैंडो लिया अंकल ने। भाई जल्दी से और भी सामान मंगा लेता हूँ, बैग्स ख़त्म हुए हैं, बैग्स मंगा लेता हूँ पहले। चलो मैंने बैग्स भी ऑर्डर कर दिए हैं जो जो मुझे सही लग रहे थे। चलो अब पहले इनकी बिलिंग कर देता हूँ, इनने लिया जीन्स ब्राउन कलर की।
चलो चलो चलो। अच्छा एक और शेल्फ खाली हो गई, इसमें भी कपड़े लगा देता हूँ। ओ शिट यार, मैंने उस जीन्स की प्राइस नहीं रखी थी भाई, वो मेरा लॉस में चला गया वो भाई। यार एक जीन्स लॉस में चली गई। चलो चलो इनक्यूबिंग करता हूँ। अच्छा इन्होंने भी जीन्स और एक बैग लिया है। चलो इनक्यूबिंग हो चुकी है। चलो चलो ये बॉक्स भी यहाँ पे फेंक दिया मैंने। एंड गाइस, जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, कमेंट में जाके एटीट्यूड में मुझे लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा मेरे इस वीडियो ने मेरी इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है। एंड जो भी बंदे इस वीडियो को लाइव या फिर प्रीमियर पे देख रहे हैं, आप लोग अपना कमेंट सिर्फ कमेंट सेक्शन में जाके लिखना, जिससे कि मैं उस कमेंट को हार्ट भी दे सकूँ और उसका रिप्लाई भी दे सकूँ। एंड गाइस, इतने परसेंट जो लोग हैं हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। लाइक हमेशा की तरह 10 लाख का है, जल्दी से जाके उसको भी पूरा कर दो। एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाके उसको भी फॉलो कर लो। मैं अपने सभी नई वीडियो का अपडेट उस पर डालता रहता हूँ। सो चलो ये एक मैंने एक और शेल्फ भर दिया, और ये सामने कस्टमर खड़े हैं, इनकी भी जल्दी से बिलिंग कर देता हूँ। चलो ये लास्ट है, इनकी भी बिलिंग कर देता हूँ जल्दी से। अच्छा उन वाले कस्टमर को क्या दिक्कत आ रही है भाई? अच्छा इनको कपड़े ज़्यादा महंगे लग रहे थे भाई, पता नहीं इनको क्यों इतने महंगे लग रहे हैं कपड़े, जबकि इतना भी मैंने ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है। एंड चलो एक और कस्टमर आई है, इनको कपड़े लेने देते हैं जल्दी से, बैग कपड़े। भाई यहाँ पे ग्रेविटी का क्या सीन है, मैंने नीचे से बॉक्स निकाला था, वो ऊपर के एक भी बॉक्स नहीं गिरा है, जबकि भाई बॉक्स तो गिर जाने चाहिए, मैंने नीचे का बॉक्स निकाला है भाई, पता नहीं क्या सीन है यहाँ पे। ये वाले जीन्स रख गई है यहाँ पे दो। अच्छा अभी एक के और स्पेस कम है, चलो जल्दी से एक और जीन्स बिकने देते हैं, फिर जल्दी से उसको भी खाली कर देंगे बॉक्स को। चलो ये आंटी आ गई हैं, इनकी भी बिलिंग कर दी मैंने। सो चलो मैंने अंकल की भी बिलिंग कर दी है। अच्छा इन आंटी ने भी कुछ लिया, इनकी भी अभी मैं बिलिंग करूँगा। अच्छा भाई इनको बैग की प्राइस ज़्यादा लग रही है, चलो मैं थोड़ी और कम कर देता हूँ इसकी प्राइस। चलो मैं $50 रख देता हूँ, $50 बेस्ट है इसकी प्राइस। एंड भाई इसमें से अभी तो एक भी बैग नहीं बिक रहा है, लगता है ज़्यादा ही प्राइस है इसमें की। चलो चलो इनकी भी अंकल की भी बिलिंग कर दी मैंने। चलो ये ग्रीन वाले बैग भी आ चुके हैं जो मैंने मंगाए थे। एंड अच्छा आंटी को अभी भी ये जीन्स महंगी लग रही है भाई, और कितनी सस्ती करूँ इन जीन्स की प्राइसेस। चलो ये एक और जीन्स जा चुकी है, जल्दी से इसको भी मैं शेल्फ में लगा देता हूँ। एंड ये बॉक्स भी खाली हो चुका है, जल्दी से इसे डस्टबिन में डाल देता हूँ मैं। चलो बिल काउंटर पर पहले अंकल की बिलिंग करता हूँ जल्दी से। $65 अंकल की बिल बने हैं बिल। भाई यहाँ पे लाइटिंग मुझे ऐसा लग रहा है बहुत कम है, क्योंकि अंधेरा सा हो गया है। चलो चलो आंटी ने भी सैंडो ले ली हैं। भाई इनको बैग क्यों महंगा लग रहा है अभी? चलो ठीक है, पहले एक और बैग यहाँ से जा चुके हैं, इन बैग्स को भी मैं शेल्फ में लगा देता हूँ। भाई वो बॉक्स को ज़्यादा ही ज़ोर से फेंक दिया मैंने भाई, इन्होंने सबसे महंगा सामान लिया है, $215 का इनका बिल बना है। चलो हमारा आज का डे भी ख़त्म हो चुका है, आज का हमारा बैलेंस, कल का बैलेंस जो था वो था $308 का, आज हमने स्पेंड ज़ीरो करे हैं। एंड हमारा आज का रेवेन्यू जो बना है वो बना है $595 का, टोटल हमारे पास हैं $844। चलो मैंने इनकी भी बिलिंग कर दी है। एंड चलो चलो ये बैग्स भी ख़त्म हो चुके हैं, बॉक्स भी मैंने खाली कर दिया, जल्दी से डस्टबिन में डाल देता हूँ। अरे डस्टबिन में ही नहीं गया ये तो। चलो 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 और भी कस्टमर्स आते जा रहे हैं भाई, मेरे स्टोर जैसी सुबह होती है और तभी यहाँ पे कस्टमर्स की लाइन लगनी शुरू हो जाती है। चलो ये एक और शर्ट खाली हो चुकी है, जल्दी से इसमें शर्ट लगा देता हूँ मैं। ये बॉक्स फेंक दिया मैंने। अच्छा अभी यहाँ पे एक भी शर्ट खाली नहीं है, इसको यहीं डाल देता हूँ। चलो भाई ये बैग्स और कितने महंगे लग रहे हैं, मैं एक काम करता हूँ अभी इसकी। अच्छा उन्हीं को महंगे लग रहे थे भाई, और बाकी कस्टमर्स को तो नहीं लग रहे महंगे। चलो 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 मैं यहाँ पे देखता हूँ और कहाँ से कस्टमर आ रहे हैं। भाई कुछ भी कहो, हमारे स्टोर का नाम बहुत बढ़िया है, एटीट्यूडियन फैशन। चलो इनकी भी बिलिंग कर देता हूँ जल्दी से। एंड ये जब ये लोग जब तक कपड़े ले रहे हैं, मैं देख लेता हूँ और क्या क्या ख़त्म हो रहा है शेल्फ में से।
चलो चलो इनकी विलिंग कर देता हूँ, इनको कार्ड से पेमेंट करेंगे, इनकी कार्ड से पेमेंट कर देता हूँ मैं जल्दी से। अच्छा इन्होंने कैश दिया, इनकी कैश की भी पेमेंट कर देता हूँ जल्दी से। भाई शाम भी हो चलिए, और शाम के 5:15 भी बज रहे हैं। चलो भाई टाइम को पता ही नहीं चल रहा है, इतना काम बढ़ चुका है यहाँ पे। हाँ जी ने शर्ट लिया, इनकी बिलिंग कर देता हूँ $28। अंकल ने भी शर्ट लिया, इनकी भी $27 वापस करनी है मुझे। एंड चलो चलो आंटी आ चुकी हैं, इन्होंने मैम जो भी हैं इन्होंने एक सैंडो लिया, इनकी भी बिलिंग कर देता हूँ जल्दी से। एंड और भी कस्टमर्स आते जा रहे हैं। अच्छा इनको भी अभी बैग महंगा लग रहा है। गाइस देखो यहाँ पे क्या ग्रेविटी का क्या सीन है, मैंने अभी नीचे से 3 डिब्बे हटाए हैं एंड ऊपर के एक भी डिब्बा जो है नीचे नहीं गिरा है, और यहाँ पे एक भी शेल्फ खाली नहीं हो। मैं बाहर चल के देख लेता हूँ और कस्टमर्स आ रहे हैं या नहीं। एंड दिस इज द एंड ऑफ आवर डे 13 एंड यस्टरडे हमारा बैलेंस था 844। आज हमने एक भी स्पेंडिंग नहीं करी है एंड हमारा आज का टोटल रेवेन्यू बना है 530। सो चलो मैं डे को स्केप कर दिया। एंड हमारे आज की पहली कस्टमर आ चुकी है आज के डे की, एंड इन्होंने एक सैंडो लिया एंड इन्होंने बैग लिया एक, एंड ये वापस एक और बैग लिया। सो चलो एक अंकल और आ चुके हैं, इन्होंने भी सामान ले लिया, इनकी जल्दी से बिलिंग कर देता हूँ। एंड चलो इनके $36 मेरे को वापस करने हैं और $130 इनके वापस करने हैं। एंड गाइज हमारे स्टोर का एक लेवल और इंक्रीज हो चुका है, हमारा स्टोर का लेवल हो चुका है 6। एंड इसके आगे क्या हुआ वो आपको देखने को मिलेगा हमारे अगले एपिसोड में, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आई तो जल्दी ही जाके वीडियो को लाइक कर देना, लाइक ही हमेशा की तरह 10 लाइक्स का है। चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे फॉलो कर लो। एंड मैं अब आपको मिलूंगा अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सी या पीस आउट।